फिर से आपको स्वागत है हृदय मैजिक चैनल। खास आपके लिए आज एक स्पेशल और सबसे इजीएस्ट लाजवाब टेस्ट के साथ एक चिकन का रेसिपी लेके आया हूँ। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं आज का स्पेशल चिकन मसाले का रेसिपी बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से। सबसे पहले मसाले इंग्रेडिएंट्स को रेडी कर लेते हैं और शुरू करते हैं आज का स्पेशल लाजवाब चिकन मसाले का रेसिपी। सबसे पहले एक डिश या कढ़ाई में 70-80 ग्राम कुकिंग ऑयल या मस्टर्ड ऑयल ले लीजिए। ऑयल गर्म होने के बाद खड़े गरम मसाला ऐड कर लीजिए। गरम मसाला में यहाँ पे 2-3 इलायच, 2 टुकड़े दालचीनी और 5-6 लौंग और 7-8 काली मिर्ची और एक तेज पत्ता ऐड कर लीजिए। साथ में 6-7 ग्रीन चिली ऐड कर लीजिए और 1 स्पून जीरा ऐड करके 2 मीडियम साइज ऑनियन को चॉप या कट करके ऐड कर लीजिए। सबको बढ़िया अच्छा तरीके से मिक्स करके 2-3 मिनट के लिए लाइट फ्राई कर लीजिए। 2-3 मिनट या 50% ऑनियन को फ्राई करने के बाद चिकन को ऐड कर लीजिए। चिकन को ऐड करने के बाद सबको बढ़िया अच्छा तरीके से मिक्स कर लीजिए और 2-3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में ऐसे ही चलाते हुए पका लीजिए। आज का स्पेशल और सबसे इजीएस्ट चिकन रेसिपी बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से लाजवाब टेस्ट के साथ बन के रेडी होने वाला है। तो आप भी हमारे रेसिपी के साथ घर में जरूर एक बार ट्राई करें। ये बहुत ही इजी और सिंपल है। सिर्फ 15-20 मिनट में आप आराम से हमारे रेसिपी के साथ घर में बना सकते हैं। 2-3 मिनट चिकन को मीडियम फ्लेम में चलाते हुए फ्राई या पकाने के बाद चलिए ऐड करते हैं बेसिक मसाले यानी कि होममेड मसाले। सबसे पहले 3-4 बड़े स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर लीजिए और एक बाउल में 1 बाउल कॉर्ड ऐड कर लीजिए। ये दोनों चीज ऐड करने के बाद सबको बढ़िया अच्छा तरीके से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद 3-4 मिनट के लिए मीडियम या लो फ्लेम में ढक के पकने के लिए छोड़ दीजिए। 2-3 मिनट के बाद चेक कर लीजिए और चलिए ऐड करते हैं बेसिक मसाले पाउडर। 2 स्पून चिली पाउडर ऐड कर लीजिए और अगर आपको ज्यादा स्पाइसी चाहिए तब और ऐड कर सकते हैं। 1/2 स्पून हल्दी पाउडर ऐड कर लीजिए, 1 स्पून जीरा पाउडर ऐड कर लीजिए, 1 स्पून धनिया पाउडर ऐड कर लीजिए और टेस्ट अनुसार सॉल्ट ऐड करके सबको बढ़िया अच्छा तरीके से मिक्स कर लीजिए। सबको बढ़िया अच्छा तरीके से मिक्स करके मीडियम या लो फ्लेम में ढक के 4-5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दीजिए। 5 मिनट के बाद चलिए देखते हैं नजारा। वाह, आज का स्पेशल चिकन मसाला बहुत ही जबरदस्त लाजवाब टेस्ट के साथ रेडी हो रहा है। तो सबको बढ़िया अच्छा तरीके से मिक्स करके फिर से 2 मिनट के लिए ढक के मीडियम या लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ दीजिए। 2 मिनट के बाद चेक कर लीजिए आज का स्पेशल चिकन मसाला ऑलमोस्ट रेडी है। तो आपका ग्रेवी का रिक्वायरमेंट के अनुसार हल्का गर्म पानी ऐड कर लीजिए और ऐसे ही सबको बढ़िया अच्छा तरीके से एक बार मिक्स करके 2 या मैक्सिमम 3 मिनट के लिए मीडियम या हाई फ्लेम में पकने के लिए छोड़ दीजिए और फिर बनके हो जाएगा रेडी आज का स्पेशल चिकन मसाला विद लाजवाब टेस्ट। तो फ्रेंड देख सकते हैं आज का स्पेशल चिकन मसाला बहुत ही लाजवाब और जबरदस्त टेस्ट के साथ रेडी हो चुका है। तो आज का स्पेशल चिकन मसाले को और थोड़ा टेस्टी बनाने के लिए थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर लीजिए और सबको बढ़िया अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए और फिर बनके हो जाएगा रेडी आज का स्पेशल चिकन मसाला। देख सकते हैं बहुत ही लाजवाब और जबरदस्त तरीके से आज का स्पेशल स्पाइसी चिकन मसाला रेडी टू ईट है या रेडी टू सर्व है। तो फ्रेंड डेफिनेटली आप भी हमारे रेसिपी के साथ घर में जरूर एक बार ट्राई करें। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से सिर्फ 15-20 मिनट में आप हमारे रेसिपी के साथ घर में इजीली बना के खा सकते हैं। Thank you.
तो फ्रेंड ये था आज का स्पेशल और लाजवाब चिकन मसाला, बहुत ही टेस्टी और लाजवाब तरीके से सिर्फ 20-30 मिनट में सबसे इजीएस्ट चिकन मसाला रेडी कर लिए हैं। तो आप भी हमारे रेसिपी के साथ घर में जरूर एक बार ट्राई करें। तो चलिए फ्रेंड आज के लिए वीडियो में ही पर रखते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में एक लाजवाब और स्पेशल डिश के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे लाजवाब और स्पेशल डिशेस के वीडियो बना के पेश करते रहता हूँ। तो चलिए फ्रेंड आज के लिए मैं हृदयानंद आपसे विदाई लेता हूँ और मिलता हूँ अगले वीडियो में एक लाजवाब और स्पेशल डिश के साथ। थैंक यू सो मच।